पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक कर्माबाई जी जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान को बचपन से ही पुत्र रूप में भजती थी। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यही आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब काम बाद में करती थी। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आया। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी आप यह क्या कर रही हो, सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने प्रभु को थोड़ा रुकने के लिए कहा। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई है? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ, आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत कैसी पट्टी पढ़ाई है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी माफ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए हैं, आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाए, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है, अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे, आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है।